स्टूडेंट्स हैं तो खुद के लिए बस यही है, वैकेंसीज अच्छे से निकले, एग्ज़ाम्स हों उसके तो, मतलब टाइम पे एग्ज़ाम्स हो, रिज़ल्ट आए, रिज़ल्ट भी अच्छा, कट ऑफ भी ठीक ठाक दे। अभी जो फ़िलहाल नीट स्कैम चल रही है उसके लिए री नीट होना चाहिए। बच्चों को जो ग्रेस मार्किंग दी हुई है, इससे पहले कोई ग्रेस मार्किंग की ये नहीं थी। उम्मीद यही है कि बेरोजगारी दूर करे, और क्या बेरोजगारी दूर करे, वैकेंसी लाए, और क्या। देश में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार एक बार फिर से बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है और साथ ही साथ नई सरकार में कैबिनेट का भी विस्तार हो गया है। लेकिन इस वक्त हम पटना के एक लाइब्रेरी में मौजूद है जहां पर तमाम स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन स्टूडेंट्स को एक बार फिर से जब एनडीए की सरकार बनी है तो इस नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं। हम एक एक करके कुछ स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नई सरकार से इनकी क्या उम्मीदें हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेनका कुमारी है। एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन गई है तीसरी बार लगातार, इस बार सरकार से स्टूडेंट्स की क्या उम्मीदें हैं? बस जो भी एग्ज़ाम हो वो कदाचार मुक्त हो और क्वेश्चन आउट नहीं हो, नई सरकार से बस यही गुजारिश है। और ये जो नया अभी मंत्रिमंडल बना है तो उसको आपने देखा कि कौन कौन से मंत्री बने हैं, तो क्या मतलब उस पर आपका कुछ कहना है कि मंत्रिमंडल जो भी है बस एजुकेशन, स्टूडेंट के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और एजुकेशन के सेक्टर में अच्छा हो, बस यही है। कि कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, नीट का एग्ज़ाम हो रहा है, आप देख रहे हैं उसमें क्या हुआ है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो मतलब आंसर सब स्टूडेंट को ध्यान में रख के देना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। मतलब अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं तो उसका एक सही पैटर्न होना चाहिए, नहीं कि अभी 20 तारीख को एग्ज़ाम है फिर 10 दिन बाद पता चल रहा है कि 30 तारीख को एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम का एक सटीक टाइम और डेट फिक्स होना चाहिए स्टूडेंट के लिए, तो ये ज़रूरी है। एक सवाल और है, बिहार में इस बार जो मंत्री पद है वो बढ़ा दिए गए हैं, पिछले बार 5-6 थे, इस बार ज़्यादा दिए गए हैं। चिराग पासवान को भी पहली बार मौका, चिराग पासवान को जान रही है? हाँ, कैसे लीडर लगते हैं वो? अच्छा, युवा नेता हैं और आगे जाके और हमारे लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। चिराग पासवान से आप लोगों के क्या क्या उम्मीद है, क्योंकि वो युवा है, अभी युवा है, कुछ उम्मीद है उनसे? अभी तो वो जस्ट आए हैं हम लोग के बीच, अभी उनका काम देखा जाएगा फिर उनसे, और हम लोग जितने ज्यादा जुड़ेंगे फिर उनके बारे में और जो भी तो अच्छी। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद ही सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं होने लगी है, चिराग पासवान नेशनल क्रश बन गए हैं, इस पर क्या कहना आपका? नहीं, हमारे लिए बस वो एक लीडर है, बस जी। चलिए, क्या नाम है आपका? संध्या कुमार। बिहार से जो जितने भी सांसदों को मंत्री बनाया गया, उन लोगों से आप लोगों की कुछ उम्मीदें हैं फिर नई सरकार से? हम लोग स्टूडेंट्स हैं तो खुद के लिए बस यही है, वैकेंसीज अच्छे से निकले, एग्ज़ाम्स हों उसके तो, मतलब टाइम पे एग्ज़ाम्स हो, रिज़ल्ट आए, रिज़ल्ट भी अच्छा, कट ऑफ भी ठीक ठाक दे। अब पूरा मतलब एक होता है ना कि जैसा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हर बच्चा लेके चलता है, तो उस टाइप का ही क्वेश्चन मतलब कि आना चाहिए। चिराग पासवान युवा है, उनसे कुछ उम्मीद है? अभी युवा है, अभी उसका काम देखेंगे, तो अभी उतना पॉलिटिक्स में तो ये उतना अच्छे से हम जानते नहीं। वो क्रश बन गया आजकल, नेशनल क्रश बन गया? नहीं, मेरे तो क्रश नहीं है। आपके क्रश नहीं बने हैं? नहीं। चलिए, कुछ लड़कों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपकी? सनी राज। नई सरकार से क्या उम्मीद है, और चिराग पासवान या फिर जो इतने भी बिहार से जो मंत्री बनाए गए हैं? सरकार से यही उम्मीद है कि रेगुलर वैकेंसी दे और एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी लावे। चिराग पासवान अच्छे नेता हैं, लेकिन स्टूडेंट के लिए आगे आए, स्टूडेंट की बात रखें, स्टूडेंट्स के लिए बात रखें। जी, चिराग पासवान से उम्मीदें हैं क्योंकि अभी युवा हैं, वो भी युवा हैं। हाँ, अभी युवा हैं, देखिए क्या अच्छे काम करते हैं। क्या नाम है आपका? तो ये पढ़ाई कर रहे हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? प्रतिभा। नई सरकार से क्या उम्मीद है आपको? मुझे सरकार से ये उम्मीद है कि अभी जो फ़िलहाल नीट स्कैम चल रही है उसके लिए री नीट होना चाहिए। बच्चों को जो ग्रेस मार्किंग दी हुई है, इससे पहले कोई ग्रेस मार्किंग की ये नहीं थी, और इस टाइम में दिया गया है क्योंकि एनटीए का कहना ये है कि उसे पेपर बहुत पहले मिल गए थे, इसलिए उस सारे स्टूडेंट को कुछ सेंटर्स पे पेपर्स पहले मिल गए थे, तो उसे ना ग्रेस मार्किंग देके उस स्टूडेंट को मार्क्स दिया गया है, तो ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये इसलिए इससे पहले कभी नहीं हुआ है और अभी जो हो रहा है ये गलत है, इसलिए गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए और रीनीट करवाना चाहिए फिर सरकार से। उम्मीद है कि वो रीनीट करवाएंगे इस बार? मुझे तो उम्मीद है, बट पता नहीं अब कोर्ट क्या कहती है। चिराग पासवान बिहार से हैं, मंत्री भी बने हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो तो अभी बने हैं, अब आगे उनका देखेंगे फिर पता चलेगा कि वो क्या करते हैं। आजकल नेशनल क्रश बन चुके हैं सोशल मीडिया पे लड़कियों के लिए, ये तो मुझे नहीं पता। आपका क्या कहना है उनके बारे में, कैसे लीडर लगते हैं आपको? अच्छे लीडर अभी तो बने ही हैं, तो वो अभी तो देख रहे हैं, उनका अच्छा है हर चीज़, और आगे देखती हूँ कि क्या होता है फिर। ओके, चलिए, मैं कुछ और स्टूडेंट्स से जुड़ने की कोशिश करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि नई सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं। यहाँ पर भी कुछ लड़के हैं, उनसे पढ़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका?
क्या नाम है आपका? सुमित कुमार। नई सरकार से कुछ उम्मीदें हैं आपकी या फिर जितने भी बिहार से सांसद जिनको मंत्री बनाया गया है केंद्र में? उम्मीद यही है कि बेरोजगारी दूर करे और क्या, बेरोजगारी दूर करे, वैकेंसी लाए और क्या, और वैकेंसी टाइम टाइम पे लिया जाए, यहाँ लेट बहुत किया जा रहा है वैकेंसी में। अगर चिराग पासवान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं तो केंद्र में भी मंत्री बन गए, उनसे कुछ उम्मीदें आपकी? उनसे यही उम्मीद है कि वही बेरोजगारी दूर करे और टाइम टाइम पे अथी करते रहे, वैकेंसी देते रहे। जी क्या नाम है उनका, क्या नाम है आपका? वो बात करने में कंफर्ट नहीं है और लोगों से मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। हेलो, क्या नाम है आपका? प्रियांशु। नई सरकार बन गई है जी, जी। प्रधानमंत्री भी एक बार फिर से नरेंद्र मोदी बन गए हैं, बिहार के कई सांसदों को केंद्र में मंत्री भी बनाया गया है जी। क्या कहेंगे, क्या उम्मीदें हैं इन लोगों से आपकी? उम्मीदें एजुकेशन को लेकर के बेहतर करें, क्योंकि अभी एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब हो चुका है। न्यू पॉलिसी तो ला दिया गया एजुकेशन में, लेकिन सुधार हो नहीं रहा, हर एग्जाम देखो तो आपको लीक ही हो जा रहा है, तो इस पे काम करना चाहिए उन लोगों को। मेरी उम्मीद है कि इस पे वो काम करें। बिहार से जितने भी कैबिनेट में मंत्री बनाए गए हैं उन लोगों से कुछ उम्मीदें बिहार के लिए? बिल्कुल, अब चिराग पासवान है तो युवा नेता, तो हम लोग को उम्मीद है कि हाँ यहाँ पे इंडस्ट्री तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फूड प्रोसेसिंग यूनिट, अगर फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ही बने हैं तो उसके लिए अच्छा काम करें, उस फील्ड में बिहार में किया जा सकता है अच्छा काम। चिराग पासवान इन दिनों सोशल मीडिया पर लड़कियों के लिए नेशनल क्रश बन चुके हैं, क्या कहेंगे? हाँ, स्मार्ट तो है। आपकी भी क्रश है क्या? नहीं, आपकी नहीं है, लेकिन कह रही है स्मार्ट तो है। हाँ, स्मार्ट है, क्रश नहीं है। चलिए, क्या नाम है आपका? हेलो। चलिए, तो देखिए यहाँ पर हमारे साथ कुछ स्टूडेंट थे जो कम्फर्ट थे बात करने में और जिन्होंने बातचीत की, और उनसे हमने जानने की कोशिश की है कि नई सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं और जितने भी सांसद बिहार से केंद्र में मंत्री बनाए गए हैं उन लोगों से बिहारी छात्रों की क्या क्या उम्मीदें हैं। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।